देखिए दोस्तों, आज मैं आपको मूंगफली सेकना बताऊंगी। जैसे कि भरबूजे पहले जमाने में टूटते थे, अपन सिका के लाते थे, मक्का के दाने की मिट्टी में करते थे। रेडियो डाली है, कढ़ाई ली है, चूल्हा जलाया है, और उसको अच्छा गर्म कर लेंगे। फिर उसको मूंगफली में डाल, मूंगफली इसमें डालेंगे, अच्छी गर्म रेता कर देखिए दोस्तों, अब मैंने मूंगफलियाँ डाल दी है इसमें। अब जब मूंगफली को हिलाते जाएंगे सीख जाएंगे। देखिए इसमें मूंगफली डाल दी है, रेत इसमें डली हुई है, जो अपन वो बनाते हैं मकान, उसकी रेत। अब ये गर्म हो गई अच्छी तरह, अब इसको धीरे धीरे हिलाएंगे और सीख जाएंगे। मोटी कढ़ाई लेना है सीखने के लिए, लोहे की कढ़ाई ली है मैंने। देखिए दोस्तों, जो मैंने कढ़ाई ली है, चूल्हा जलाया है और रेता इसमें डाली है, और इसको देख रहे हैं। देखिए गर्म हो गई है और चट चट बोल रही है, जो बहुत स्वादिष्ट लगेगी। जैसे कि बाजार में मिलती है, सेकते हैं उसमें रेता में, और सेक के बेचते हैं। जो घर पर जो भी बनाई गई रे मूँगफली है, बहुत सस्ती अच्छी और मिल जाती है। बाजार में, बाजार से लाते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है, ये बहुत सस्ती पड़ जाती है, और आराम आराम से सेक कर खाई जाती है गरम गरम। देखिए मेरी सीखने वाली है, सीख कर लीजिए। हम ये देखिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कुछ कुछ मूँगफलियाँ सीख गई हैं। ये नमक से खाने में बहुत स्वादिष्ट लगे, इतनी अच्छी लग रही हैं। देखिए दोस्तों, ये मूंगफली सीख गई है कितनी अच्छी। बच्चे बाजार से लेके आते थे, वो बहुत महंगी पड़ती थी रोज। मैंने कहा हाँ चलो, मैं पुराने जमाने में जो सीखती थी वही सीख के बता रही हूँ, कितनी अच्छी सीख गई है। दोस्तों ये मूंगफलियाँ सीख गई हैं, मैं निकाल रही हूँ और फिर इसमें डाल देंगे। जो ज़्यादा गर्म है तो जल्दी सीख जाए। देखिए दोस्तों, अब मैंने इतनी मूँगफलियाँ सीख ली हैं। अब रेता बहुत गर्म है, अब मैं इसमें इसको डाल रही हूँ, बहुत जल्दी सीख जाएंगे।